मैं सचिन दीवान, प्रधान नगर कौंसल नवांशहर। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान जो है ये समय समय के उत्ते कई धार्मिक और समाजिक जोड़े प्रोग्राम वो करता आ रहा है। तो अज उसी लड़ी के तहत सानू शिव महिमा का जोड़ा गुणगान सुनने मिलया, मन बहुत प्रसन्न होया। असी हमेशा ही जोड़ा दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के नाल मोटे न मोटा जोड़ के खड़ते हैं। जो भी साड़ी कोई जरूरत पैंती नगर कौंसल की, साड़ी टीम हमेशा ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान नाल रहिंदी आ। जिन्नियां भी गल्लां समागम च कीतियां जांदियां, भगती दी कीतियां जांदियां, परमात्मा नाल लोकां नूं जोड़न दी कीतियां जांदियां, मैं समझदा कि अज इस चीज़ की बड़ी लोड़ आ। जिवें कि तुहानूं सारिआं नूं पता ही है, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अध्यात्मिकता, समाजिकता और धार्मिकता का ज्ञान दिंदा है। और मैं समझदा सानू सारे समाज नूं अध्यात्मिकता का और धार्मिकता का ज्ञान जो लेना चाहिए। ये संस्था तो पहले से ही इतना बढ़िया कार्य कर रही है कि इसमें ड्रग डी एडिक्शन से लेके लोगों को धर्म के साथ जोड़ने का प्रयास और लोगों में जागृति, हर सोशल वर्क के लिए एक्टिविटी की जा रही है और एक ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना चाहिए। दिव्य ज्योति संस्थान नवांशहर वालों समय समय से भागवत कथा, शिव कथा और भी धार्मिक अनुष्ठान किए जाते हैं। मैं डॉक्टर पाठक हाँ, डायरेक्टर हेल्थ सर्विस चंडीगढ़। ये प्रोग्राम बहुत ही सोहना सीगा, तो पूरा डिसिप्लिन सीगा। तो जिहड़ी खास चीज़ मैनू लगी कि इन्हों का बौद्धिक लैवल बड़ा हाई है। ये बहुत वधिया उपराला आ देवी ज्योति जागृत संस्थान का भारतीय संस्कृति नूं दे नाल लोगों जोड़न दा। बाकी लोगों नूं बहुत ही प्यारे ढंग दे नाल समझाते हैं कि गुरु की क्या महिमा होंदी है, गुरु दे नाल लग के आपां नूं किस तरह अपना जीवन सफल होंदा। तीन दिन का जिहड़ा प्रोग्राम सी इहदे विच बहुत ही बच्चों को अच्छी चीज़ें सुनने को मिलियाँ। ये नवांशहर के लिए वरदान साबित होगा। आज इतना आनंदित हुआ हूँ, इतना आनंदित हुआ हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। ये परम सौभाग्य है कि हम इस भारत की भूमि पर जन्म ले चुके हैं और उसके बाद हमारा परम सौभाग्य है कि हमारा जो जीवन है वो भारतीय संस्कृति के साथ रचा बसा है। और उसके बाद मैं ये कहूंगा कि हमारे महापुरुषों ने इतनी मेहनत, इतनी साधना, इतना तप करने के पश्चात हमारे सामने ग्रंथों की रचना करके रख दी कि आप इन्हें पढ़िए, इन ग्रंथों को जानिए, उनके जीवन के अनुभव हैं, उनके जीवन की कहानियां हैं जो हमें दिशा दे रही है। मैं एक छोटी सी बात, जो ग्रंथ हैं जो आपने जैसे बहन जी के माध्यम से शिव पुराण के साथ जुड़े हुए जो भगवान शिव की महिमा उसे श्रवण किया, देखिए जीवन में किस तरह से जुड़ी होती है। मैं छोटी सी बात कहकर के अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। भागवत महापुराण के अंदर ये बात आप ये देखिए कि आपके बच्चों के साथ, आपके जीवन के साथ जुड़ी हुई है। भागवत महापुराण के अंदर
एक मृकंडू ऋषि हुए। वो और उनकी धर्म पत्नी अपने आश्रम में, जंगल के अंदर आश्रम में कुटिया बना करके रहते थे। संतान नहीं थी तो मृकंडू ऋषि बहुत उच्च कोटि के विद्वान ऋषि, तपी, ज्ञानी, सारे उनके अंदर गुण थे। बड़ी अच्छी उन्हें ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान था और उन्होंने अपनी जन्मपत्री, अपनी पत्नी की जन्मपत्री मिलाकर के ध्यान की अवस्था में देखा तो ये पाया कि उनकी किस्मत में, उनके जीवन में संतान नहीं है, संतान का सुख नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति किसी भी चीज को मन में दृढ़ संकल्प करके किसी चीज के पीछे पड़ जाए तो फिर कहते हैं कि पूरी कायनात उसकी सहायता करने के लिए आगे आती है। तो आप ये देखिए, मृकंडू ऋषि भगवान शिव का ध्यान करते हैं। बड़ी लंबी कहानी है, मैं कम शब्दों में बोलना चाहूंगा। मृकंडू ऋषि भगवान शिव का, भोलेनाथ का ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं, उनकी तपस्या करते हैं और बड़ी कठिन और बड़े तप के साथ जब उन्होंने भगवान को एकाग्र होकर याद किया, कई सालों बाद भगवान शंकर उनके सामने प्रकट होते हैं। तो मृकंडू ऋषि कहते हैं कि प्रभु आप आए, मेरा सौभाग्य है। तो भगवान कहते हैं कि मुझे किस लिए याद कर रहे हो, क्यों याद कर रहे हो? तो मृकंडू कहते हैं भगवान क्या आपको ये मैं कह के बताऊं क्यों याद कर रहा हूं? आप तो अंतर्यामी है, आप मेरे मन की बात जानते हो, मुझे क्या चाहिए? तो भगवान भी आगे से भगवान है, वो कहते हैं तुझे ये भी पता है कि जो तू चाहता है वो तेरे पास हो।